हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप आई एम श्वेता एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर सिस्टम्स इससे पहले हम ये नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं जो हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में क्या क्या डिस्कस किया है नंबर सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि नंबर्स क्या होते हैं जिसमें हमने कंप्लीट फैमिली डिस्कस की थी नंबर्स की दैट वॉज रियल नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आ रहे थे नंबर हमने डिस्कस किए थे कि नंबर्स विद डेसिमल विदाउट डेसिमल विदाउट डेसिमल में डिस्कस किए थे नेचुरल नंबर होल नंबर्स इंटीजर्स एंड ऑल राइट एंड विदाउट डेसिमल में हमने कौन-कौन से नंबर्स की बात की थी रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर अब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स ही थे जो विथ डेसिमल थे राइट right? तो विथ डेसिमल में थे तो अब इन्हीं नंबर्स की जो है हमारे डेसिमल एक्सपेंशन भी हो सकती है क्योंकि ये विथ डेसिमल नंबर्स थे पर अभी तक हमने जो ये नंबर दोनों सीखे हैं रैशनल नंबर और इरेशनल रैशनल नंबर हमने ये सीखा कि ये फाइंड आउट कैसे करते हैं दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर number, दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स और उनको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करना हमने सीखा था पर हमने उनकी डायरेक्ट फॉर्म में लाइक रैशनल नंबर्स को पी बायू के फॉर्म में नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखा था उस पर फाइंड आउट करना सीखा था अब आज वाली क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन राइट तो लेट सी real number and their decimal expansions so in this section we are going to study rational numbers and irrational numbers from a different point of view from a different point of view is means we will look at the decimal expansion of real numbers अब रियल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन ये तो हमें पता ही है कि रियल नंबर्स में कौन से डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है रैशनल और इेशनल नंबर की तो मीन्स आज वाली क्लास में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो रैशनल और इेशनल नंबर के ऊपर कर रहे हैं एंड सी इफ वी कैन यूज द एक्सपेंशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रैशनल एंड इशनल नंबर राइट सो सी वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन यूजिंग द डेसिमल एक्सपेंशन नाउ लेट इट टस्ट टेक थ्री एग्जाम्पल्स लेटस्ट टेक दीज थ्री एग्जांपल्स लाइक टेन बाय थ्री सेवन बाय एट एंड वन बाय सेवन क्या हैं ये रैशनल नंबर्स हैं सबसे पहले तो आपको ये पता चल रहा है क्या ये दीज आर रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स, दीज आर रैशनल नंबर्स हाउ कैन यू सेज आर रैशनल नंबर्स बिकॉज दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय ये आप सबको पता है कि रैशनल नंबर्स की हम पहचान कैसे करते हैं जो पी फॉर्म में हो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो और जहां पर जो क्यों जीरो के इक्वल नहीं होता ऐसे देखते हो अब।, अब अब हमने ये कहना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इनकी हम कैसे दिखा सकते हैं ठीक है तो लेट्स सी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रैशनल नंबर्स राइट तो क्या करना है हमने ये आपके पास एग्जाम्पल भी दी है क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल में फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टेन बाई थ्री सेवन बाई एट एंड वन बाय सेवन डेसीमल एक्सपेंशन सबको आती है क्या किया होता है हमने डेसिमल एक्सपेंशन में अब तक कि हमने डिविजन करनी है उसकी डेसीमल फॉर्म में तो करते हैं हम इसको स्टार्ट टेन को थ्री से डिवाइड करना है फर्स्ट पार्ट यही है ओके okay. तो कैसे स्टार्ट करेंगे सिंपल डिवीजन ओनली सिंपल डिवीजन थ्री थ्री या नाइन रिमेंडर वन राइट नाउ अगर हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है तो मीन्स वी हैव टू कॉन्टिन्यू द डिविजन प्रोसेस राइट सो वी विल बोरो जीरो वी विल मार्क पॉइंट अगेन थ्री थ्री या नाइन वन अगेन बोरो जीरो थ्री थ्री या नाइन वन अगेन बोरो जीरो थ्री थ्री जहा नाइन तो ये क्या हो रहा है यहाँ से क्या आप देख रहे हैं कि अगेन एंड अगेन वी आर गेटिंग द रिमाइंडर एज वन आप बार बार रिमाइंडर वन लेते जा रहे हो उसको बोरो करते जा रहे हो जीरो सो so दैट कि आप उसको डिवाइड कर सको और क्या आ रहा है क्वेश्चन बार बार थ्री से आपको करना पड़ रहा है डिवाइड राइट right? तो यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि वी हैव डिवाइजर डिवाइजर क्या आ रहा है डिवाइजर आ रहा है थ्री क्वेश्चन क्या आ रहे हैं क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आ रहा है थ्री पॉइंट थ्री 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 लाइक दिस एंड इट विल कॉन्टिन्यू ये कॉन्टिन्यू होता जाएगा जब तक हम इसको डिविजन करते जाएंगे और रिमाइंडर क्या आ रहे हैं रिमाइंडर आ रहा है वन 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 एंड सो ऑन यही हो रहा है ओके okay. ये वाला आपने तो टेन बाइ थ्री को किया ऐसे ही जो दूसरा एग्जाम्पल दिया उसको ट्राई करके देख लेते हैं सेवन बाई एट है यानी सेवन को एट से डिवाइड करना है तो अगर सेवन को एट से डिवाइड करना है तो सबसे पहले एट के टेबल में सेवन तो नहीं आता नॉट डिवाइड तो अगर ये डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि जीरो लगाकर डेसिमल लगाकर जीरो बोरो करके कितने पर जाएगा ये एट एट जा सिक्सटी फोर टेन माइनस फोर सिक्स जीरो बोरो किया एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स रिमाइंडर फोर जीरो बोरो किया एट फाइव जा फोर्टी यहां कितना आ गया रिमाइंडर जीरो राइट right. इसमें ये हो गया इसकी डेसिमल एक्सपेंशन एंड द थर्ड वन इज वन को डिवाइड करना है सेवन से इसमें क्या होगा अगेन वन को हम सेवन से वैसे तो डिवाइड नहीं कर सकते डायरेक्ट सेवन के टेबल में वन तो नहीं आता दैट मीन्स वी हैव टू मार्क द डेसिमल पॉइंट एंड वी विल बोरो जीरो सेवन वन जा सेवन थ्री सेवन फोर जा ट्वेंटी एट रिमाइंडर टू सेवन टू जा फोर्टीन सिक्स अब कितने टेबल पर जाएगा टेबल सेवन का सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स रिमाइंडर फोर सेवन फाइव जा थर्टी फाइव कितना आ गया रिमाइंडर फाइव अब सेवन सेवन जा सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन रिमाइंडर आ गया वन ठीक है अब अगर वन आ गया तो फिर से वही जीरो बोरो करोगे फिर वहां से स्टार्ट हो जाएगा सेवन वन जा सेवन यानी कि यहां से इसका रिजल्ट क्या आया टेन बाय नाइन का रिजल्ट आया आपके पास आंसर कितना आया थ्री पॉइंट थ्री 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 या इसको जो नंबर्स रिपीट होते हैं उसको हम बार भी लगा सकते हैं राइट right? यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं थ्री पॉइंट थ्री बार जहां ये नंबर रिपीट हो रहा है यहां से आंसर क्या आया सेवन बाय एट से जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव ठीक है और वन बाय सेवन से क्या आया ठीक है थेके? ये आया है जी जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन इसके बाद रिपीट होना शुरू हो गया कौन से डिजिट ये सारे के सारे क्योंकि वन आ गए वन से फिर वही के वही रिमाइंडर बार बार आते जाएंगे तो इन तीनों डिवीजन में डेसिमल एक्सपेंशन में क्या पैटर्न आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है इसमें हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं इसमें रिमाइंडर जीरो हो गया टर्मिनेट हो गया और इसमें भी रिपीट हो रहे हैं तो हमने सीखा है और हमें पता भी है कि जो राशनल नंबर्स होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं ठीक है तो यहां से क्या रिजल्ट आया इसको देखा हमने दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है ये वाला क्या है टर्मिनेटिंग राइट और दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग

In the form of non-terminating repeating. Now we move on to the next. Show that three point one four two six seven eight is a rational number. In other words, express this number in the form of p by q, where p and q are integers. So this is very simple. Three point one four two six seven eight. Isko ये डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में डेसिमल की फॉर्म में इस रैशनल नंबर को हमने पी बाय केव के फॉर्म में लाना है सबसे पहले तो ये वाला जो नंबर है रैशनल नंबर डेसिमल की फॉर्म में है ये हमें पता है पर ये आपको पता है कौन सा है जो अभी अभी हमने डेम पी बाय के फॉर्म से डेसिमल में किया था किस फॉर्म में आए थे वो या तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो ये कौन से वाला है क्योंकि इसमें देखो आगे डैश, डैश 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 नहीं लगा हुआ इसका मतलब ये रिपीटिंग नहीं है ये यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है यानी कि ये इतने के बाद रिमाइंडर जीरो आ गया होगा ठीक है तो यानी कि ये हमारा आंसर आया अब अगर हमने इसको पी बाई के की फॉर्म में लाना है तो जब आपको डेसिमल हटाना पड़ेगा तो डेसिमल हटाते हैं सबसे पहले उस नंबर को कंप्लीट ऐसे लिखो थ्री वन फोर टू सिक्स सेवन एट अपोन में डिनोमिनेटर में अगर हम इस डेसिमल को हटाते हैं तो कितनी जीरोज आती हैं आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इस डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट तो यहाँ पे ये पी हो गया पॉजिटिव इंटीजर ये क्यू हो गया

आगे तक जा रहा है ये थ्री पे यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ, हुआ हुआ है राइट आगे उसने लिखा भी है इसको जीरो पॉइंट थ्री बार और अभी अभी हमने सीखा कि इस बार का मतलब क्या होता है कि वो रिपीट हो रहा है रेपिटेशन हो रही है ठीक है पूछ रहा है कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पीपल क्यू अभी इससे जो लास्ट क्वेश्चन किया हमने उसमें कहा कि डेसिमल को हटा दिया जितने डिजिट से डेसिमल के बाद अपोन में डिनोमिनेटर में उतनी जीरोस ले आए अब जब ये रिपीट ही हो रहा है आगे तक जा रहा है हम अगर डेसिमल को हटाएं तो हम कितनी काउंटिंग करेंगे कितना नीचे डिनोमिनेटर में जीरो लाएंगे वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा तो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे पी के फॉर्म में लाएंगे लेट सी लेट x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री 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 एंड सो ऑन है ना जीरो पॉइंट थ्री बार है ये जो x है हमने कह दिया हमें नहीं पता अभी ये p बाई क्यू की किस फॉर्म में आएगा हमने तो अभी इसको x मान लिया ठीक है अब आगे क्या करेंगे अगर अब आप ये देखो कि पॉइंट के बाद ये दोनों एक ही चीज है ना ये तो लिखने का बस तरीका अलग है पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं थ्री एक डिजिट ही है ना थ्री है जो बार बार रिपीट हो रहा है कितने या फिर आप ऐसे बोलो कि कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है सिर्फ एक के ऊपर तो जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है जौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है जितनी बारी जोन सा डिजिट रिपीट हो रहा है उतनी जीरो से आपने उतने टेंस से मल्टीप्लाई करना है तो मीन्स मल्टीप्लाई कर दो टेन से आप लिख लो यहां पे, पहले ऐसे लिख दो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टेन मल्टी प्लाइंग both sides both sides by 10 we get क्या रिजल्ट आएगा 10x is इज इक्वल टू अब जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है एक जीरो से मल्टीप्लीकेशन होगी तो वो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3. थ्री 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 एंड सो ऑन राइट जितने जीरो से जितने टेन से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल उतना आगे शिफ्ट हो जाता है यानी कि ये पॉइंट अगर थ्री से पहले है तो वो थ्री के बाद हो जाएगा एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा आप इसको किसी भी अगर आप मान लो मैं लिख दूं, फोर पॉइंट सेवन नाइन है फॉर एग्जांपल ठीक है इसको आप टेन से मल्टीप्लाई करके देखो जरा क्या आएगा फोर सेवन नाइन ठीक है इसको अगर पॉइंट हटा दोगे नीचे टू जीरोज पॉइंट हटाते हैं अगर हम डिनोमिनेटर में लाते हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतनी जीरोज आती हैं दो जीरोज मल्टीप्लाई में टेन है ठीक है वन जीरो से वन जीरो कैंसिल अब इसको दोबारा अगर हमने लिखना हो डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखते हो आप इतनी काउंट करते हो कितनी जीरो बची है यहाँ वन और राइट से लगाना शुरू करते हो आप यानी फोर सेवन नाइन है वन जीरो है तो यानी यहां से काउंट करेंगे 1। देखा आपने रिजल्ट कि जितने से आप मल्टीप्लाई करते हो उतने उतने डेसिमल डेसिमल वो डिजिट डेसिमल, आगे शिफ्ट हो जाता है यानी सेवन से पहले था वो सेवन के बाद चला गया ये तो सबको पता होगा हम अब नाइन्थ क्लास में है ये तो हमने डेसिमल की जो रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन है वैसे हमने सीखी है अपने अर्लियर क्लासेस में है ना जस्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज ओके अब हम अपनी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जहां हम कर रहे थे क्वेश्चन अपना तो ये आया टेन एक्स इज इक्वल टू थ्री पॉइंट थ्री 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 एंड सो ओन अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू अब इसको आपने ये क्यों लिखना है ये थोड़ा सा आपको ट्रायल एंड एरर वाई वी आर डूइंग दिस कि अगर आप इसको ऐसे लिखो थ्री पॉइंट ज़ीरो पॉइंट थ्री 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 एंड सो ऑन क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं करके देखो जरा थ्री पॉइंट अगर थ्री अकेला है इसको पॉइंट जीरो जीरो करके लिख सकते हो इसमें ऐड करो जीरो पॉइंट थ्री 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 एंड सो ऑन जो भी है ठीक है इसको ऐड करो थ्री पॉइंट थ्री 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 आ रहा है ना यही वाला हमने इसको जस्ट ब्रेक करके लिखा जो कंप्लीट नंबर है उसको दो में ब्रेक किया और ब्रेक कैसे करना है जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था ना उस टाइप से उसको ब्रेक करना है ठीक है तो आपने डेसिमल के बाद ये था उतना लिख के उससे पहले वाला एडिशन में ले आए और वो मैंने आपको करके दिखाया कि एक्चुअली में ये बनता भी इतना ही है ठीक है अब क्या होगा विच एम्प्लाइज टेन एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस ये क्या है ये हमारे यहां पे इसको दे दो इक्वेशन को नंबर वन इसको हम लिख देंगे थ्री प्लस एक्स क्यों लिखा एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन ठीक है फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने ये एक्स की वैल्यू पुट की है विच एम्प्लाइज वेरिएबल्स को एक्साइड कर लें एक्स एक्स वाले मीन एक साइड कर लें टेन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री राइट व्हिच इंप्लाइज x, 9x, 10x टेन एक्स माइनस वन एक्स इज इक्वल टू 3, राइट व्हिच इंप्लाइज़ अब इसके बाद 9x एक्स इज इक्वल टू थ्री है उसका क्या मतलब हुआ x इज इक्वल टू 3 बाय नाइन लेफ्ट साइड पे 9 मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में जाके डिवीज़न में हो जाएगा ये तो पता है तो यानी ये थ्री वन या थ्री 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 जै नाइन तो x की वैल्यू आ गई है वन बाई थ्री। और हमने किसको माना था x किसको माना था हमारे इस नंबर को यानी कि इसकी जो है जीरो पॉइंट थ्री 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 की जो फॉर्म है उसकी राशनल नंबर की फॉर्म है फ्रैक्शन वाली फॉर्म है वो आंसर हमारे पास वन बाई थ्री है <coughs> राइट आप इसको करके भी देख लेना चाहिए चलो ये एक करके दिखा देती हूँ इस एक एग्ज़ाम्पल में अगर आप वन को थ्री से डिवाइड करोगे थ्री ज़ीरो पॉइंट थ्री 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 जहा नाइन वन 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 आ रहा है ना यही आपका आंसर आया ये सारा कुछ मैंने ये वाला ये सब आपको क्रॉस वेरीफाई करके दिखाया क्रॉस चेक करके दिखाया कि एग्जैक्ट आ रहा है आपका आंसर ठीक है तो ये इसकी 0.33 की जीरो पॉइंट थ्री थ्री को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज पी बाई क्यू फॉर्म ये पी हो गया ये क्यू हो गया और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो क्लियर है बच्चों सबको क्लियर है ओके नोट इड डाउन नोट कर लिया सबने, ओके नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड इसमें क्या कह रहा है एग्जाम्पल एट सेट वन पॉइंट टू सेवन टू सेवन टू सेवन अब लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्या डिफरेंस है वहां पे था जीरो पॉइंट थ्री थ्री जीरो पॉइंट थ्री 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 यही था यानी कि एक डिजिट रिपीट हो रहा था थ्री 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 है ना इस वाले क्वेश्चन में दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं टू सेवन टू सेवन टू सेवन वहाँ वन डिजिट वाला क्वेश्चन था या टू डिजिट वाला है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक है तो इसको भी एक बारी करके देख लेते हैं ठीक है तो क्या करना पड़ेगा सेम स्टेप आपने फॉलो करने है कि लेट एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट टू सेवन टू सेवन टू सेवन एंड सो ऑन जिसको हम 1.27 बार भी लिख सकते हैं है ना अब क्या कहा था हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने टेंस से मल्टीप्लाई करना है यानी उतनी जीरोस का मतलब हो गया जैसे अगर यहां पे आप देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं टू तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा जैसे पहले वाले में वन डिजिट रिपीट हो रहा था तो टेन से किया था इसमें टू हो रहे हैं तो हंड्रेड से करना पड़ेगा टू टेंस यानी कि हंड्रेड का क्या मतलब हो गया टू टेन्स है ना तो इसको मैंने इकट्ठा कंप्लीट कंप्लीटली हंड्रेड लिखा है हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू अब आप इस नंबर को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमने क्या कहा है जितनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा ये जो डेसिमल है ये जो डेसिमल है उतने डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा ठीक है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा वन टू सेवन इन दो डिजिट के बाद चला जाएगा ठीक है राइट right, ए इक्वेशन नंबर वन थी अब क्या करना है हमने वही हमने उसको ब्रेक करके लिखा था हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा ये वाला नंबर आए इसको मैं एक बारी रीराइट कर लूँ, आपको यहां पे कंफ्यूजन ना हो क्या था एग्जैक्टली वन पॉइंट टू सेवन था है ना अब यहां पे वन ट्वेंटी सेवन बॉय वहां वन था पॉइंट से पहले और यहां वन ट्वेंटी सेवन है इस बात को समझो कि अगर आपको ब्रेक करना नहीं आ रहा ना तो कैसे ब्रेक करें यहां पे आपके पास वन है पॉइंट से पहले और यहां वन ट्वेंटी सेवन है यानी यहाँ कितना वन ट्वेंटी सिक्स एक्स्ट्रा है तो ब्रेक करने के लिए आपको ये एक ट्रिक लगानी पड़ेगी ठीक है तो इसको वन ट्वेंटी सिक्स को यानी हम अलग कर रहे हैं वन ट्वेंटी सिक्स प्लस में वन पॉइंट टू सेवन टू सेवन टू सेवन सो ठीक है यानी कि ये जो आया था, उसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं ये वही आएगा क्योंकि दोनों को ऐड करोगे यही आएगा वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू सेवन टू सेवन राइट अब इसके बाद क्या लिखोगे हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू ये 126 है प्लस ये फिर से क्या है किसकी वैल्यू है ये एक्स की हमने इसको लिख दिया एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन राइट ओके अब वही वेरिएबल्स को एक साइड कर दो इसको यहां ले आओ हंड्रेड एक्स इज माइनस एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड एक्स माइनस एक्स 99x, 99x is equal to 126, right? Which implies x is equal राइट 126 upon एक्स इज इक्वल p by q form, फॉर्म पर हम क्या करते हैं p by केव फॉर्म जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं means इसको लोअर फॉर्म इसकी कौन से टेबल पे चला जाएगा ये थ्री पर थ्री फोर जा थ्री टू जा थ्री थ्री जा थ्री थ्री जा थ्री वन जा थ्री फोर जा थ्री वन जा थ्री वन जा। जाट मींस फोर्टीन बाय इलेवन आ गया ठीक है यानी कि एक्स की वैल्यू और एक्स क्या था 1.272727 यानी कि 1.2727 की पी बाय क्यू फॉर्म क्या है फोर्टीन बाई इलेवन ये पी हो गया ये क्यू हो गया एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो राइट आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो क्रॉस चेक भी कर सकते हो 14 को 11 से अगर डिवाइड करोगे ना यही आएगा ये यह आप अपने आप करके चेक करेंगे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको चेक करके बताया यही आएगा ठीक है क्लियर है सबको ओके नाउ वी मूव ऑन अवर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है रीड आउट शो दैट जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म अभी ये कोई क्वेश्चन डिफरेंट है क्या लास्ट क्वेश्चन जो दो की है अभी हमने कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है नहीं हमें तो नहीं आ रहा छोटा सा एक डिफरेंस क्या है कि वहां पर एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार था लास्ट क्वेश्चन में टू डिजिट के ऊपर बार था अब यहाँ पे भी बार तो टू डिजिट के ऊपर ही है रिपीट तो थ्री फाइव थ्री फाइव ही हो रहा है एक डिजिट एक्स्ट्रा है बस और कुछ नहीं है करके बता दूं ओके मैं करके बता देती हूँ कैसे अगेन लेट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट टू थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव ऐसा ही है विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट टू थ्री फाइव बार बार किसके ऊपर है थ्री फाइव क्योंकि थ्री फाइव रिपीट हो रहा है टू नहीं रिपीट हो रहा थ्री फाइव थ्री फाइव रिपीट हो रहे हैं राइट right? अब क्या करना था हमने अब क्या करना है इसको हमने हमने कहा था मल्टीप्लीकेशन करनी है मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बाय अब यहां कितने से करोगे टेन से करोगे हंड्रेड से करोगे या थाउजेंड से करोगे हमने कहा था कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं पहले वाले में जीरो पॉइंट थ्री था है ना तो एक से किया था नेक्स्ट जो इसके बाद अभी हमने किया है वन पॉइंट टू सेवन था टू सेवन बार बार रिपीट हो रहा था तो हंड्रेड से किया था अब थ्री फाइव रिपीट हो रहा है पर यह नहीं आपने कंफ्यूजन क्रिएट करनी है कि पॉइंट के बाद टू भी है तो हंड्रेड थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है नो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं ओनली उसी से समझ आ रही है मेरी बात रिपीट कौन से हो रहे हैं दो डिजिट तो यानी कि हंड्रेड से ही करना है आपने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बाय हंड्रेड ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू अब ये पॉइंट कहां जाएगा यहां पे है तो दो डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो यानी कि कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव ऐसे ही है ना है ना हमने कहा था कि पॉइंट कितने से मल्टीप्लाई टू जीरो ना तो टू पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा टू थ्री के बाद चला जाएगा राइट अब देखो हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू अब इसको कैसे ब्रेक करना है आपने कि हमें x भी मिले है ना यहाँ पे तो आ रहा है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव एक बार ऐसे लिख के देखो तब कहीं मैंने क्या कहा है आपको इसमें एक ट्रिक लगानी है कि आप अपने ओरिजिनल एक्स की वैल्यू यहाँ पे ला सको ट्रिक लगाना है इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि कैसे बस वो ट्रिक लगाना है कि आपका एक्स आपको मिल जाए टू थ्री पॉइंट फाइव थ्री फाइव थ्री ऐसे आ रहा है, है ना हमें चाहिए क्या हमें चाहिए ज़ीरो पॉइंट टू थ्री फाइव थ्री ऐसे है है ना जीरो पॉइंट यानी कि यहाँ पॉइंट के बाद है इसको एक बारी चेक करो फाइव थ्री फाइव थ्री है यहाँ पॉइंट के बाद टू थ्री यहाँ पे यानी टू ये थ्री तो है ये फाइव थ्री फाइव थ्री है ना अब यहाँ पे फाइव है यहाँ टू है कितना एक्स्ट्रा है यानी यहाँ थ्री एक्स्ट्रा है ना यानी इस थ्री को हटा दें हम 23.3 अगर एक तो ये 23 हटा दें और इस 5 में से 3 हटा दें 3 को एक साइड कर दो रह जाएगा अगर 2 तो फिर 2 3 5 थ्री इसी के साथ मैच हो रहा है बस इस तरह से ये आपको जस्ट एक ट्रिक लगाना है हिट एंड ट्रायल लगाना है कि कैसे उसको तोड़ें हम कैसे ब्रेक करें कि हम अपनी एक्स की वैल्यू फिल कर सकें राइट तो अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 23.3 प्लस में 0 टू थ्री फाइव सो कैसे हम इसको लिख रहे हैं ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री प्लस जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री ठीक है आप इन दोनों को ऐड करके भी देख लो आपके पास यही रिजल्ट आएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री प्लस में जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव थ्री फाइव ऐड करके देखो इसको ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री फाइव थ्री अब देखो यहाँ पे यही आया ना बिल्कुल ये सेम है है ना तो यानी कि जो हम अपना हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं हम अपने ट्रिक लगा रहे हैं कि हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जो हमारा एक्स था हमने एज्यूम किया था उसकी फॉर्म कुछ बन जाए तो ये जस्ट एक आपने ट्रिक लगानी है राइट ये एक आपने ट्रिक लगानी है ओके तो अब हम इसकी अकॉर्डिंगली ही लिखेंगे सो लेट्स सी हम लिख रहे हैं हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू कैसे ब्रेक करना है आपने इसको ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री प्लस जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव एंड सो ऑन क्लियर है विच प्लाइज हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री प्लस में अब ये किसकी वैल्यू है एक्स की जो हमने इस वैल्यू एक्स ही एज्यूम किया हुआ था प्लस एक्स फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन वन ठीक है अब वेरिएबल्स को एक साइड कर लें वेरिएबल्स का मतलब जो वेरी करते हैं और वेरी क्या करते हैं एक्स तो यानी दोनों को एक साइड कर लो हंड्रेड एक्स उधर एक्स प्लस में यहाँ आके लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री विच एम्प्लाइज हंड्रेड एक्स माइनस एक्स नाइनटी नाइन एक्स इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री राइट अब इसको मैं यहां कर रही हूं कंप्लीट नाइन्टी नाइन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री तो क्या हो जाएगा नाइन्टी नाइन एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री यही है विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में नाइन्टी नाइन डिवीजन में चला जाएगा डिवाइडेड बाय 99 व्हिच विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यहां पर लिख रही हूं मैं ठीक है वहां थोड़ा पेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हम इसको यहां लिख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू टू थर्टी थ्री अपॉन ये जो पॉइंट है ये जो डेसिमल है ये वाला जो डेसिमल है इसको अगर हम हटा दें क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाए तो ये एक जीरो आ जाएगी क्योंकि एक डेसिमल के बाद है नाइन नाइन्टी तो ये इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गई प्योर क्यू जहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और अगर ये कटता है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है तो लिखें अदरवाइज ऐसे टू थर्टी थ्री किसी के टेबल पर जाएगा नहीं अदरवाइज इट इज़ पी बाई क्यू फॉर्म ठीक है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज इक्वल टू नाइन नाइनटी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो राइट को इक्वल नहीं है और पी बाई क्यू हमारी फॉर्म आ गई क्लियर है सबको अब इस टाइप के हमने क्वेश्चन ट्राई किए तो अब आप इजिली इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको हमने अगेन पी बाई के ओ की फॉर्म में कैसे लेके आना आ गया समझ सबको राइट प्लीज नोट इट डाउन कर लिया सबने नोट ओके okay. अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है इसमें वट अबाउट द फेमस इेशनल नंबर ये तो अभी हम रैशनल नंबर कर रहे थे ना या तो टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हमने ट्राई किया है नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अब वट अबाउट इेशनल नंबर ये भी याद है आपको एक्सपेंशन लिखी है नॉन टर्मिनेटिंग है एक तो ये बात होगी रिपीटिंग है इसमें कोई भी डिजिट आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं पे कुछ एक पैटर्न फॉलो कुछ रेपिटेशन स्टार्ट हो रही है नो no, सब डिजिट्स अलग अलग जा रहे हैं और कहीं टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हो और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा तो इस टाइप के नंबर इर राशन नंबर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं ठीक है सो so, ये हमारे इर नंबर तो अब वो कह रहा है कि क्या हम इेशनल नंबर ऐसे फाइंड भी कर सकते हैं अगर दो रैशनल नंबर ऐसे दिए हुए हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो ये जो है हमारे इनको डेसिमल एक्सपेंशन में ले आए फाइंड एन इेशनल नंबर एंड इ रैशनल नंबर बिटवीन वन बाय सेवन और टू बाई सेवन तो वन बाय सेवन की पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन बनाते हैं सेवन से इसको डिवाइड करो सेवन से डिवाइड नहीं होगा तो हमें डेसिमल में लाना पड़ेगा सेवन वन जा सेवन थ्री जीरो सेवन फोर जा ट्वेंटी एट टू सेवन टू जा फोर्टीन सिक्स अब एट पर जाएगा सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स फोर जीरो बोरो किया, अब कितने पर जाएगा थर्टी फाइव अगेन बैलेंस फाइव जीरो बोरो किया सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन वन रिमाइंडर वन आ गया यानी दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा सारा यानी अब ये रिपीटिंग हो जाएगा इतना आ गया ये तो होगी वन बाय सेवन की वैल्यू ऐसे ही अब टू बाय सेवन की उसमें क्या होगा टू को सेवन से करना है जीरो लगाई सेवन टू जा फोर्टीन ठीक है सिक्स अब कितने पर जाएगा सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स फोर सेवन फाइव जा थर्टी फाइव फाइव सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन वन सेवन वन जा सेवन थ्री सेवन फोर जा ट्वेंटी एट टू अब रिमाइंडर टू आ गया यानी वो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा फिर वो टू सिक्स फोर ठीक है इतने बातों हमें समझ आ गई यानी कि वन बाई सेवन की जो वैल्यू आई है वो आई है जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन बार ठीक है ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे इसलिए इसकी लगाई वैल्यू हमने बार में टू पॉइंट टू बाई सेवन की वैल्यू जीरो पॉइंट टू एट फाइव सेवन वन फोर इसके ऊपर भी बार ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है अब इसका है कि इन दोनों के बीच की वैल्यू एक कोई एक इ नंबर फाइंड करना है स्टार्टिंग से देखो ये ज़ीरो पॉइंट है ये जीरो पॉइंट है वन फोर है वो टू एट है यानी कि कोई नंबर जो वन फोर के बाद हो और टू एट के पहले हो तो क्या लिख सकते हैं हम जीरो पॉइंट वन फाइव ज़ीरो वन फाइव जीरो जीरो वन फाइव ज़ीरो जीरो जीरो वन फाइव ज़ीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन फाइव कुछ इस टाइप से कोई भी क्योंकि इनफाइनेटली कोई भी नंबर आप बना सकते हो यहाँ वन सिक्स भी ले सकते थे वन सेवन भी ले सकते थे या वन जीरो लिए या टू जीरो भी ले सकते थे कोई भी क्योंकि कोई भी नंबर इसमें आप ला सकते हो है ना तो ये एक नंबर अब इसमें देखो क्या कुछ आपको रेपिटेशन दिख रही है टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा टर्मिनेट तो वही नहीं हो रहे थे तो ये टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं रिपीटिंग है रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे अकेला वन फाइव है फिर जीरो वन फाइव है फिर टू जीरो वन फाइव है फिर थ्री जीरो वन फाइव है कुछ सिमेट्री नहीं है कुछ पैटर्न नहीं है ठीक है तो ये एक इराशनल नंबर हो गया ठीक है तो ये तो एक मैंने लिखा है आप और भी कुछ भी लिख सकते हैं मैंने वन फाइव जीरो वन फाइव ऐसे लिखा है आप और भी कुछ भी लिख सकते हैं पर आना किसके बीच में चाहिए वन जीरो वन फोर और इसके बीच में कितने इंफानाइटली बहुत सारे नंबर्स इसमें आ सकते हैं वो इस पर आप लिख सकते हो क्लियर है तो ये एक मैंने लिखा आप सब अपना अपना और नंबर ट्राई करेंगे कि इसके अलावा क्या क्या नंबर हो सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स देंगे राइट ओके नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड ठीक है तो अब हमने इसमें क्या किया हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि जो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में आइदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम उनको डेसिमल एक्सपेंशन से पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पी बाई क्यू की फॉर्म से डेसिमल एक्सपेंशन में भी लिख सकते हैं इसी टाइप के हमने एग्जाम्पल्स किए और हमने इसका कंसेप्ट सीखा ठीक है तो अब हम इसी से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू